नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम एंसेंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में दोस्तों जैन धर्म से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन्हीं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के ही दौरान जो है मैं आपके इस जैन धर्म का जो चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखा जाए हर एग्जाम में यहाँ से संबंधित एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो सारे जो है ये जो चैप्टर है उसको अच्छे से रिविजन करा सकूं मैं। और इससे संबंधित अगर कुछ और भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको भी आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद टैकल कर पाए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों जैन धर्म। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दिया था कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल के अंत में और जब महाजनपद काल का, बड़े बड़े महाजनपद काल का उदय होता है, उसी के दौरान जो है एक समानांतर घटना भी घट रही होती थी, वो क्या था? धार्मिक आंदोलन। बहुत नए नए धर्मों का उदय हुआ। और मैंने आपसे ये भी बताया कि हमें जो है लगभग 300 धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चूंकि ये दोनों ही धर्म दोस्तों एक तरीके से दोनों ही समय पीरियड एक ही है, क्योंकि अगर देखा जाए महावीर स्वामी जी का भी जो जन्म हुआ था वो भी जो है समानांतर माने जाते हैं बुद्ध जी के, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी के। तो दोनों का लगभग, दोनों लोगों का लगभग जो है समय एक ही है, लगभग लगभग, एकदम हम एक नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी लगभग एक ही है। महावीर स्वामी जी कहा जाता है बौद्ध धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, उनसे ये पहले के थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते थे बड़े थे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक्स बढ़ा दीजिए। आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस में 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है और देखिए ज्यादातर मुझे पता है बच्चे जो आंसर कर देंगे दोस्तों वो कर देंगे बी, यानी कि महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जो है इनको मान लेंगे कि ये जैन धर्म के संस्थापक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर बी नहीं है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऋषभदेव। दोस्तों ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर है, देखिए जैन धर्म के जो ऋषि होते थे, जो ज्ञानी पुरुष होते थे, उनको कहा जाता है दोस्तों तीर्थंकर। और ध्यान रखिएगा जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो तीर्थ, यानी कि रास्ता, रास्ता दिखाने वाला तीर्थंकर होता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से जाना जाता है दोस्तों, इसमें से ध्यान रखिएगा 22 तीर्थंकरों की बात करें दोस्तों, तो 22 तीर्थंकरों का जो ऐतिहासिक है, इतिहास हमें नहीं पता है, यानी कि हमें इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अनैतिहासिक तीर्थंकर, यानी कि जिनके इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। और मात्र जो दो तीर्थंकर, यानी कि 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर को हम ऐतिहासिक तीर्थंकर की संज्ञा देते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक तीर्थंकर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इतिहास में इनके बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलता है। और 23वें तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। और 4थे तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने जैन धर्म का सर्वाधिक जो है प्रसार प्रसार किया, ठीक है, वो थे महावीर स्वामी। बात कर लेते हैं ऋषभदेव जी के बारे में दोस्तों। ऋषभदेव जिसे हम आदि, ठीक है, आदि पुरुष के भी नाम से जानते हैं, माफ करिएगा, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको हम आदिनाथ से जानते हैं। और इनका अगर आपसे पूछ दिया भाई इनका चिन्ह क्या है, ठीक है, चिन्ह जरूर पूछता है, इनका प्रतीक जरूर पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इनका चिन्ह जो है वो वृषभ, ठीक है, वृषभ है, इसीलिए इनको वृषभनाथ के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसे हम बैल कह सकते हैं, ठीक है, बैल। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो अयोध्या में हुआ था, ठीक है, अयोध्या के राजा के घर में इनका जन्म हुआ था, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पार्श्वनाथ देखिए दोस्तों कौन से थे, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 23वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है क्योंकि इनके भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और पार्श्वनाथ जी ध्यान रखिएगा ये ऐतिहासिक तीर्थंकर थे।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखिए प्रश्न भी आ गया, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वही प्रथम तीर्थंकर थे, और कौन है दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक, वो कौन है दोस्तों, ऋषभदेव। और ऋषभदेव को हम किन नाम से जानते हैं, आदिनाथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो है वृषभ जो है इनका प्रतीक चिन्ह है, इनको इसलिए ऋषभदेव के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ दोस्तों कौन थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। और वहीं आपसे पूछा जाए कि महत्वपूर्ण थी कि जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थे दोस्तों 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, जिन्होंने देखा जाए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब महाजनपद काल का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ था, उसी दौरान इन्होंने प्रचार प्रसार किया था जैन धर्म का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ दिया गया पार्श्वनाथ, आइए पार्श्वनाथ के भी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था इनका इतिहास। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों पार्श्वनाथ, अभी हमने आपसे बात किया दोस्तों जो जैन जो तीर्थंकर है दोस्तों पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर है। ठीक है, और इनका किस स्थान से संबंध है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा वाराणसी। कारण क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि जो वाराणसी, ठीक है, जो वाराणसी जो कि वरुणा धनसी नदी को मिला करके वाराणसी बना था, उसी संगम पे ये, उन्हीं के संगम पे ये शहर स्थित है, इसलिए इसको वाराणसी कहा जाता है। और इसको एक्चुअली में कहा जाता है काशी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, वाराणसी। और वाराणसी के ही दोस्तों राजा थे अश्वसेन। ठीक है, कौन थे दोस्तों, अश्वसेन। ठीक है, अश्वसेन के घर जो है इनका जन्म हुआ था, किनका दोस्तों, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो आप क्या कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ के जो पिताजी थे वो कौन थे दोस्तों, ठीक है, वो थे दोस्तों अश्वसेन थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भाई इनकी माता कौन थी दोस्तों, चूंकि इनके पिताजी जो थे वो दोस्तों कौन थे, वो वाराणसी के शासक थे अश्वसेन जी थे, और इनकी जो माता है दोस्तों वो वामा थी। और आपसे प्रश्न यहां से एक चीज प्रश्न पूछता है दोस्तों, वामा कौन थी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कौशल के जो राजा थे, ठीक है, ये कौन थे दोस्तों, कौशल के जो राजा थे, कौशल के राजा दोस्तों कौन थे, तो ये थे नरवर्मन। ठीक है, ध्यान रखिएगा नरवर्मन की ये पुत्री थी। ठीक है, नरवर्मन की ये पुत्री थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ जी के बारे में ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और इनके अगर आपकी पत्नी पूछ दे दोस्तों कौन था, ये भी पूछा जाता है भाई, प्रभावती। प्रभावती जो थी वो इनकी पत्नी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला बात करेंगे पार्श्वनाथ जी के बारे में और भी। चलिए यहाँ पे देखिए चिन्ह आ गया है। अभी हमने बताया कि हर जो है हर तीर्थंकर के अपने जो है एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। आदिनाथ जी के बारे में अभी हमने बात किया कि भाई इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो क्या है, वो ध्यान रखिएगा, वो है आपका दोस्तों करेक्ट आंसर जो इसका जो है ए का जो है वन है। क्या आपको कहीं देखने को मिल रहा है ए का वन? हाँ जी मैडम जी, यहाँ पे जो है दो ऑप्शंस हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं ए और बी, इसलिए भाई ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे जो पूछ रहा है भी मल्लीनाथ, दोस्तों मल्लीनाथ जो थी दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, मल्लीनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्त्री तीर्थंकर थी और जैन धर्म में एकमात्र स्त्री तीर्थंकर थी। तो देखिए जैसा कि आगे चलकर के जैन धर्म, ठीक है, जब प्रथम बौद्ध जब प्रथम जैन संगीति होती है तो जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर मत के अनुयायी थे यानी कि स्थूलभद्र, स्थूलभद्र ये कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है जो मल्लीनाथ थी दोस्तों वो एक स्त्री थी, लेकिन अगर बात करें दोस्तों दिगंबर तो वो मानते हैं कि भाई मल्लीनाथ स्त्री नहीं थी, ठीक है, बल्कि वो पुरुष थे, ये दिगंबर संप्रदाय के जो कि भद्रबाहु इसके संस्थापक थे। तो मल्लीनाथ की अगर हम बात करें दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो कलश, ठीक है, जल कलश जो है इनका ये, ठीक है, प्रतीक चिन्ह है। और मल्लीनाथ की अगर हम क्रम बात करें तो ये 19वीं तीर्थंकर थी। आ जाइए दोस्तों पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, और इनका अगर आपसे चिन्ह पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सर्प का फन, ठीक है, चूंकि यहाँ पे फन नहीं दिया है सर्प है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, तीन का तीन, यहाँ पे क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है। देखिए भाई आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शंभुनाथ की दोस्तों बात करें, शंभुनाथ जो कि कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे दूसरे तीर्थंकर है। शंभुनाथ के भी बारे में पूछा जाता है दोस्तों, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है और दूसरे तीर्थंकर शंभुनाथ है। और शंभुनाथ की अगर हम बात करें दोस्तों, माफ करिएगा तीसरे तीर्थंकर है, ठीक है, माफ करिएगा जो दूसरे तीर्थंकर है वो
अजीत नाथ है, और जो शंभू नाथ है इनका क्या है दोस्तों, घोड़ा, ठीक है, जिसको हम अश्व कहते हैं, ठीक है, अश्व जो है ये इनका प्रतीक चिन्ह है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पहला। तो ध्यान रखिएगा 24 तीर्थंकर वैसे सभी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको इसी के दौरान बताते चलूंगी कि जो जो महत्वपूर्ण है आप उनको देखते चलिए, उनके प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, और इंपॉर्टेंट क्या है पहले और दूसरे तीर्थंकर और 23वें 24वें तीर्थंकर, इनके बारे में थोड़ा बहुत इतिहास जानना आपके लिए जरूरी है। तो चूंकि हमें पहले और दूसरे तीर्थंकर के बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं हमारे इतिहास में है, ठीक है, लेकिन 23 और 24 तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, उनके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी हासिल करनी है। अब यहाँ पे देखिए आ गया दोस्तों पुनः वो चिन्ह आ गया तीर्थंकर, उनके संज्ञान यानी कि उनके प्रतीक क्या है। पार्श्वनाथ के बारे में अभी मैंने बात किया दोस्तों कि सर्प का फन जो है वो उनका प्रतीक चिन्ह है, तो सर्प जो हो गया वो पार्श्वनाथ का हो गया। क्या ऑप्शन में आपको कहीं तीसरा दिख रहा है, इलिमिनेशन मेथड लगाया करिए, समय आपका बचेगा भाई। ए का हमें दूसरा यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, ए का फोर दिया है ये इनकरेक्ट हो गया, ए का हमें वन दिया बिल्कुल इनकरेक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें विकल्प देखने को मिलता है ए का 3, वो है डी, और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ जो कि ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के संस्थापक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, चूंकि इन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता था, बैल जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी की दोस्तों बात करें तो सिंह, ठीक है, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। और शांतिनाथ की दोस्तों बात किया जाए तो शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है हिरण, ठीक है, हिरण जो है वो इनका प्रतीक चिन्ह है। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हर जैन धर्म ने तपस्या किया होगा, जैन धर्म के जो ये तीर्थंकर थे उन्होंने तपस्या किया होगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, तो कहाँ पे इन्होंने किस जगह पे तपस्या की थी, वो स्थान कौन सा था, एग्जाम में वो आपसे पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, तीर्थंकर है निर्माण के स्थल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों डायरेक्ट आंसर पे चले तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वासुपूज्य जो है इन्होंने समेद शिखर पे जो है नहीं किया था, ये इनकरेक्ट है। बाकी देखा जाए दोस्तों ऋषभनाथ इनका जो निर्माण स्थल है वो है दोस्तों अष्टपद है, और नेमिनाथ की बात करें दोस्तों तो इनका जो निर्माण स्थल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, उज्जैन है। महावीर की बात करें दोस्तों तो पावापुरी में इनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी, याद है पावापुरी मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी दोस्तों कुशीनगर, जहां पे महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण मिला था, और जो पावापुरी में, ठीक है, महावीर स्वामी जी को जो है क्या मिला था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि निर्वाण की प्राप्ति आपको जीवन के दौरान ही मिल जाएगी, बल्कि महापरिनिर्वाण जो होता है वो आपका मृत्यु के बाद होता है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि भाई निर्वाण की प्राप्ति के लिए आपको ये शरीर जो है वो त्यागना ही पड़ता है, ठीक है, इसलिए इन्होंने जो निर्वाण की प्राप्ति किया था वो पावापुरी में किया था महावीर स्वामी जी ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों यहाँ पे वासुपूज्य दोस्तों कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, और इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी चंपापुरी में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था दोस्तों, चंपापुरी में जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। ये देखिए समेद शिखर जो दोस्तों है, यहाँ पे समेद शिखर की बात करें तो जो 23वें तीर्थंकर है दोस्तों पार्श्वनाथ जी, ठीक है, पार्श्वनाथ जी को जो है समेद शिखर पर जो है ये मिला था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जो है किसको समेद शिखर पे हुई थी, तो पार्श्वनाथ जी को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है समेद शिखर, अभी रिसेंटली करंट न्यूज में भी था, ठीक है। तो समेद शिखर की लोकेशन आपसे पूछा जाता है, इसका बहुत सारा विस्तार झारखंड और बिहार में देखने को मिलता है। तो 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ जी दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने तपस्या किया था, लगभग 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, और गृह त्यागने के बाद लगभग उनको कहा जाता है कि 83 दिनों तक जो है वो कठिन तपस्या किए, और उसके बाद जो है 83वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेद शिखर पे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। एक तरीके से आपको जो कि 24 तीर्थंकरों के जो है क्रम पूछ दिया है, तो क्रम पूछ दिया है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक तरीके से ये वही लोग जनरली प्रश्न कर पाएंगे ज्यादातर, मैं कहूंगी जिनको 24 तीर्थंकर के बारे में विशेष जानकारी होगी, अदरवाइज देखिए यहाँ पे तुक्का तो आप लगा ही नहीं सकते हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसे लगा दिया और कर लिया, नहीं। देखा जाए यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों जो अभिनंदन जी थे, ठीक है दोस्तों, जो अभिनंदन जी थे ये आपके चौथे तीर्थंकर थे,
ठीक है, बिमल नाथ जी की बात किया जाए दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों ध्यान रखेगा 13वें तीर्थंकर थे। और वहीं देखा जाए मुनि सुव्रत नाथ की बात करें तो ये ध्यान रखेगा ये 20वें तीर्थंकर थे। और पद्म प्रभु की बात करें तो ये क्या थे दोस्तों, छठे तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका कोई समय नहीं पता है, इतिहास में जानकारी नहीं, मैंने पहले ही बताया कि ये अनैतिहासिक जो है तीर्थंकर है, इनके इतिहास हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले तो अभिनंदन जी आते हैं, फिर प्रद्म प्रभु आते हैं, फिर बीमल नाथ आते हैं, फिर मुनि सुव्रत नाथ आते हैं। तो 1-4, ठीक है, 1-4 कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है भाई, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, 1 और 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए आगे आपसे प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनके बारे में पूछा जा रहा है। आइए थोड़ा सा देखें, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों महावीर स्वामी जी के बारे में बात करें, बार बार ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये अंतिम जो थे, ठीक है, अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। ठीक है, ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, इनके बारे में हम यही पढ़ लेंगे थोड़ा। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था ये ध्यान रखिएगा, तो ये अगर ऑप्शन जो है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडलग्राम, ठीक है, माफ करिएगा, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में भी दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा इनके जो पिता थे दोस्तों वो कौन थे, ध्यान रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था। और यहाँ पे जो इनके पिता थे वो थे सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ थे, क्योंकि आप देखिए महात्मा बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जो है पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। और इनकी जो माया थी, ठीक है, इनकी जो माता थी दोस्तों वो थी त्रिशला, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, त्रिशला। ठीक है, अब इनका जो जन्म होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी हमने बात किया, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों, कब हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लगभग 540 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जो है जन्म हुआ था, कहीं कहीं पे दोस्तों 599 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 540 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो है इनके एक तरीके से इनके जो पिताजी थे वो क्या थे, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा जो वज्जी संघ था दोस्तों, ठीक है, वज्जी संघ के जो अंतर्गत एक जात्रिक कुल के, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है, क्या थे, जात्रिक कुल के ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो वज्जी संघ के संबंधित ये थे, ये राजा थे, क्षत्रिय थे। और इनकी माता के बारे में विशेषकर पूछा जाता है दोस्तों, तो इनकी माता थी दोस्तों त्रिशला, और ये जो लिच्छवी नरेश थे, ठीक है, लिच्छवी नरेश, ठीक है, चेटक की ये बहन थी, ये भी पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, जो नरेश चेटक थी उनकी ये बहन थी, एग्जाम में पूछा था कि पुत्री थी, ठीक है, क्या थी, तो ये बहन थी, ये ध्यान रखिएगा, लिट्टवी नरेश, ठीक है, लिच्छवी नरेश चेटक जो थे, जो कि राजा थे, ठीक है, उनकी ये क्या थी, बहन थी त्रिशला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म के समय जो दोस्तों इनका नाम क्या था दोस्तों, वर्धमान, ये भी आपसे पूछा जाता है, वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम था, बाद में ये महावीर कहलाए, क्योंकि इन्होंने जो, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति कर लेता था, जो अपने इंद्रियों को विजित कर लेता था वही महावीर कहलाता था, इसीलिए इनको महावीर कहा गया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और आगे चल करके इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों वह यशोदा से हुआ था। देखिए यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, और हमने महावीर यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या बताया था, यशोधरा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कितनी सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे चल करके इनकी अगर बहन की बात किया दोस्तों, इनकी एक बहन भी थी सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शना इनकी बहन थी, और इनसे जो है वर्धमान जी के जो विवाह हुआ था महावीर स्वामी और यशोदा से, एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका भी आपके एग्जाम में पूछा गया, अड़ोज्या, ठीक है, अड़ोज्या नाम था, ठीक है, अड़ोज्या जो था उनका नाम था, इनकी पुत्री थी, ध्यान रखिएगा, जिसको हम प्रियदर्शना के नाम से कहते हैं, प्रियदर्शना कहते हैं। और इन्हीं का विवाह आगे चल करके किससे होता है दोस्तों, जमाली से होता है, जो कि इनके प्रथम जो है विद्रोही रहते हैं और इनके प्रथम अनुयायी भी रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अड़ोज्या जो कि प्रियदर्शना इनका नाम था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमें पता चला चीजें। आगे चलते हैं दोस्तों, कुंडल ग्राम जन्म स्थान था दोस्तों किसका था, अभी हमने बात किया, तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म स्थान था वो क्या था दोस्तों, कुंडल ग्राम था। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान क्या था। अगला है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। देखिए इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, प्रश्न ये पूछा जा रहा है, बिहार पीसीएस प्री में आया था 2017 में। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, महावीर स्वामी जी,
इनका जो दोस्तों जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो मोक्ष स्थान था वो ध्यान रखिएगा पावापुरी था। अभी हमने बात किया दोस्तों पावापुरी में जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। देखिए बात है महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था, जैसा कि अभी हम लोगों ने सारी बातें किया, जब दोस्तों इनके जो है जब ये 30 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, 30 वर्ष देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी ने गृह त्यागा था, और 30 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, महावीर स्वामी जी ने देखा जाए इनके जो बड़े भाई हैं, ये भी पूछा गया है कि किसकी आज्ञा लेकर के, तो इनके जो बड़े भाई हैं दोस्तों नंदीवर्धन, ठीक है, ध्यान रखिएगा नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद ये कहाँ पहुंच गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, नालंदा पहुंच गए, ठीक है। नालंदा के बारे में आप लोग को पता ही है, नालंदा विश्वविद्यालय बारे में जिक्र कर चुके हैं, नालंदा पहुंच गए। और नालंदा पहुंचे तो यहाँ पे जो इनकी मुलाकात होती है दोस्तों वो किससे होती है, तो मखली पुत्र, ठीक है, गौशाल से होती है, मखली पुत्र, ठीक है, गौशाल से। यही वही है जिन्होंने आजीविका संप्रदाय की नींव रखी थी, ठीक है, गौशाल, मैकली पुत्र गौशाल के साथ मिलते हैं ये, और दोनों लोग साथ में मिलकर के, ठीक है, 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद, 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद इनका जो है मन यहाँ नहीं लगा, और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, फिर ये पहुंच जाते हैं दोस्तों, ठीक है, फिर अगेन ये आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद इन्होंने लगातार 6 वर्ष की तपस्या, और क्या, यानी कि टोटल 12 वर्ष तक की तपस्या किया। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद अगर देखा था तो 42वें वर्ष, ठीक है, 42 वर्ष की आयु में, ठीक है, इन्होंने तपस्या कहाँ किया, तो रिजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, रिजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पे जम्भिक गांव, ठीक है, जम्भिक गांव, ठीक है, में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद दोस्तों ये क्या कहलाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जम्भिक गांव था, और वैशाख पूर्णिमा भी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन, वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन जो है इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहना है, इनको विभिन्न नामों से जाना गया महावीर स्वामी जी को, ठीक है, क्या क्या नामों से जाना गया, इनको कहा गया भाई विजेता, इनको विजेता। देखिए जैन शब्द की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, जैन शब्द जो बना है वो संस्कृत भाषा जीन से बना है, जीन का मतलब होता है विजेता, जिनका मतलब क्या होता है, विजेता होता है, और जिन्होंने, ठीक है, अपने इंद्रियों को विजित कर लिया, किस चीज का विजेता, अपनी इंद्रियों का विजेता, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वही क्या कहलाया दोस्तों, जैन कहलाया। और इनको फिर क्या कहा गया दोस्तों, जिन्न कहा गया, इन्होंने इनको अहर्त कहा गया, अहर्त भी पूछा गया है, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया दोस्तों, अहर्त कहा गया। अहर्त मतलब क्या होता है दोस्तों, योग्य व्यक्ति जो श्रेष्ठ है। फिर इनको कैवल्य कहा गया, कैवल्य यानी कि जिसने संपूर्ण ज्ञान, जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने पूर्ण ज्ञान को जान लिया है। इनको महावीर कहा गया, यानी कि बहुत प्रकाष्ठ है, बहुत महावीर है, बहुत ही एक तरीके से अटल पराक्रम है इनके अंदर। इनको निर्ग्रंथ कहा गया, बंधन रहित। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आगे चल करके इनके बारे में जानना है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी दोस्तों, तो ये सबसे पहला जो उपदेश देंगे ध्यान रखिएगा, वो विपुलांचल पर्वत पर देंगे अपने शिष्य, और यानी कि इनके प्रथम शिष्य और इनके दामाद जमाली को देंगे। और इसी तरीके से आगे चलते चलते ये, ठीक है, मल्लगणराज की राजधानी बावापुरी पहुंचते हैं, और वहां पर इन्होंने अपने, ठीक है, शरीर को त्याग दिया, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, इन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया। कब किया था दोस्तों, तो 468 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, अभी हमने बताया तीर्थंकर यानी कि रास्ता दिखाने वाला, किस चीज का रास्ता दिखाने वाला, ठीक है, मोक्ष निर्माण की प्राप्ति, निर्माण की प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाला। और ये शब्द देखा जाए दोस्तों तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है, बार बार मैंने आपसे बताया 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, जिसमें से 22 कौन है दोस्तों, अनैतिहासिक है, जिनका इतिहास में कोई जानकारी नहीं है। 23 और 24 तीर्थंकर की बात करें, ठीक है, पाशरनाथ और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है, क्रम में देखा जाए तो महावीर स्वामी जी जो है ये अंतिम तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन से एक जैन तीर्थंकर नहीं है, तो कौन से नहीं है दोस्तों, चंद्र प्रभु नहीं है, नाथ मुनि नहीं है, नेमी नहीं है, संभव नहीं है।
तो यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाथ मुनि नहीं है, ठीक है, नाथ मुनि नहीं है, ठीक है। चंद्र प्रभु की दोस्तों बात किया जाए तो ये ध्यान रखिएगा ये 8वें तीर्थंकर है, ठीक है। अष्ट नेमी की ठीक है बात करें दोस्तों तो ये 21वें तीर्थंकर है, ठीक है। संभव की बात करें दोस्तों तो ये 3रे तीर्थंकर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है के नाथ मुनि जो है ये तीर्थंकर नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रभा सारी ठीक है, प्रभा सागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है, ठीक है। तो ये जो है प्रभा सागिरी किसका तीर्थ स्थल है, प्रश्न पूछा जा रहा है। जैन का है, बौद्ध का है, शैव का है, वैष्णव का है, अभी हम लोगों ने बात किया दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो है ये जैन धर्म का तीर्थंकर, ठीक है, जैन धर्म किससे संबंधित है। और प्रभा सागिरी की बात करें दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 6वें तीर्थंकर है, ठीक है, 6वें तीर्थंकर है, ठीक है, 6वें तीर्थंकर है। और ये देखिए पद्म प्रभु से संबंधित है, ठीक है, पद्म प्रभु से संबंधित ये 6वें तीर्थंकर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है। अभी मैंने आपसे बताया कि जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इनको विभिन्न नामों से जाना गया। और कैवल्य जो होता है जैन धर्म में वो व्यक्ति होता है जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिस सत्य ही जिसका ज्ञान है, जिसके ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जिसने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लिया वही कैवल्य है। वही क्या है दोस्तों, उसी को निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य क्या है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है। जिन्न की अगर बात किया जाए तो विजेता है दोस्तों, विजेता कौन है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, ठीक है। अगला है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। अभी मैंने आपसे बात किया दोस्तों, महावीर स्वामी जी को जो है रिजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है, कहाँ पे, तो है ये जाम्भ्रिक गांव, ठीक है, जाम्भ्रिक गांव, रिजुपालिका नदी के तट पे जाम्भ्रिक गांव में, ठीक है, किस वृक्ष के नीचे। देखिये महात्मा बुद्ध जी को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनको शाल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, बरगद, ठीक है। और अगर बात किया जाए कब प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन, ठीक है, कब हुई थी दोस्तों, तो वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन, ठीक है, पूर्णिमा के 10वें दिन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कब हुई थी, तो 42 वर्ष की आयु में इन्होंने जब गृह त्याग किया, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, ठीक है, क्या करके आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद, ठीक है, इनको 42 वर्ष की आयु में क्या हुआ दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखिए यही आपसे महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और फिर जब इनको, यानी कि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये क्या कहलाए, ये जिन्न कहलाए, ये अहर्त कहलाए, ये महावीर कहलाए, ये कैवल्य कहलाए, इन विभिन्न नामों से जो है इनको जाना गया। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए भाई ज्ञान प्राप्ति के बाद जाए, जब देखिए महात्मा बुद्ध जी को भी जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उनको जब एक तरीके से, तो उन्होंने क्या किया था, पहला उपदेश दिया था जाकर के सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र कहते हैं, वो उन 5 ब्राह्मण को दिया। तो अब ये लोग जो है अपने धर्म को, जो ज्ञान हुआ है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी जी को, तो इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो ध्यान रखिएगा, वो दिया था दोस्तों विपुलाचल पर्वत, ठीक है, ध्यान रखिएगा विपुलाचल पर्वत, ठीक है, बराकर नदी पे, ठीक है, ये बराकर नदी पे, इसी के जाम्भिक जो है ये दोस्तों, ठीक है ये। और किसको दिया था दोस्तों, जमाली को दिया था, जमाली जो कि इनके, माफ करिएगा, जमाली, ठीक है, जमाली को दिया था, जमाली इनके प्रथम शिष्य थे और साथ ही साथ इनके दामाद थे, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए भाई ये शिष्य तो यही थे, अगर पूछ दिया जाए भाई शिष्या कौन थी, इनकी प्रथम शिष्या कौन थी, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा जो अंग नरेश है, अंग नरेश की पुत्री है दोस्तों चंदना, चंदना जो है वो इनकी प्रथम शिष्या बनती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है। देखिए त्रिरत्न यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा त्रिरत्न हमें 2 धर्मों में देखने को मिलता है, एक बौद्ध धर्म में और यहाँ पे देखिए जैन धर्म में, चूंकि यहाँ पे दोनों है लेकिन यहाँ पे लिख दिया है
सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक है। क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो दोस्तों तीन धर्मों त्रिरत्न क्या है, बौद्ध है, ठीक है, बौद्ध धम्म और संघ जो है, ये दो की तीन रत्न है बौद्ध धर्म के, जिसको हम त्रिरत्न कहते हैं। ध्यान रखिएगा उसमें त्रिपिटक भी देखने को मिलता है। हमने बात किया था त्रिपिटक क्या था, ठीक है, जो त्रिपिटक, तीन पिटक, पिटक मतलब होता है डब्बा, पिंडा, ठीक है, एक तरीके से बास्केट होता है, और बास्केट में तीन ज्ञान कौन कौन से, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और इसी तरीके से जैन धर्म में हमें तीन सिद्धांत देखने को मिलते हैं, तीन दर्शन, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जैन धर्म से है। अगर आपसे भाई कोई पूछ दे तो यहाँ पे जो होता है सम्यक दर्शन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसी को सम्यक धारण को ही दोस्तों अक्सर जो है सम्यक आचरण भी कह सकते हैं, ठीक है, सम्यक आचरण, जो कि सम्यक की क्या है दोस्तों, सम्यक चरित्र को सम्यक आचरण, सम्यक धारण जो होता है दोस्तों वो दर्शन होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे भाई सम्यक आचरण क्या होता है, चरित्र होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है सम्यक धारण क्या होता है, धारण मतलब जो महात्मा, जो यहाँ पे तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिया गया उसको धारण करना, वही आपका सम्यक धारण है। सम्यक चरित्र क्या होता है, सम्यक चरित्र की दोस्तों अगर बात किया जाए तो दुख और सुख, चाहे दुख हो जीवन में चाहे सुख हो जीवन में, सब में आपका जो चरित्र होना चाहिए, जो आचरण होना चाहिए वो समान होना चाहिए, ठीक है। सम्यक, इसी को क्या कहा जाता है, सम्यक धारण कहा जाता है। सम्यक ज्ञान वही होता है दोस्तों शंका रहित, जिसमें आपको कोई शंका ना हो, वही क्या है, सम्यक ज्ञान है, ठीक है। अगला है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने, किया है बौद्ध धर्म ने, किया हीन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, किया जैन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म के द्वारा किया गया। देखिए पांच अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म का प्रचलित है, जिसमें चार जो अणुव्रत सिद्धांत दिया गया था वो पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये पांच अणुव्रत सिद्धांत दोस्तों क्या थे, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सत्य होना, सदा सत्य बोलो, अहिंसा बोलो, अस्ते, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, अपरिग्रह। तो देखिए चार जो है, देखिए पांच अणुव्रत है, ठीक है, अणुव्रत अगर देखा जाए, इसी को पंच महाव्रत कहा जाता है। तो एक तो आपका सत्य हो गया, ठीक है, दूसरा अहिंसा हो गया, ठीक है, तीसरा क्या हो गया दोस्तों, अस्तेय हो गया, ये भी आपसे पूछा जाता है, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, ठीक है, अपरिग्रह हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। सत्य मतलब सदा सत्य बोलो, हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, ठीक है, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, ठीक है, और यहाँ पे संपत्ति का अर्जन नहीं करना, ठीक है। और फिर ब्रह्मचर्य होना मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार, ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत है दोस्तों, ये जो है पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया था, पार्श्वनाथ जी के द्वारा गया था। और ये जो पांचवा जो है अणुव्रत सिद्धांत जो जोड़ा गया, पंचव्रत सिद्धांत जो जोड़ा गया, ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि गृहस्थ जीवन में रह करके किसी भी तरह से निर्वाण की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो भाई आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए पांचवा जो अणुव्रत जोड़ा गया दोस्तों, ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और ये महायान बौद्ध ध्यान हम लोगों ने बात ही किया था, महायान हीन यान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं, शादवाद सिद्धांत है, शादवाद सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों क्या, शादवाद, ठीक है। और अगर आपसे बात किया जाए दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपसे बात की दोस्तों कि जैन धर्म में बहुत सारी शिक्षाएं दी गई, जिसमें से हम त्रिरत्न की अभी बात की, उसी तरीके से शादवाद दोस्तों था। शादवाद को जिसको कहा जाता है दोस्तों सप्तभंगनी, ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, सप्तभगीय कहा जाता है, ठीक है, सप्तभगीय कहा जाता है, ठीक है, सप्तभगीय कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं अनेकांतवाद, यानी कि हर एक चीज का कई सारे अंत है, ठीक है, अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद कहा जाता है। इसी को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये बताया, जैन जो है तीर्थंकर, इन्होंने ये बताया
कि एक तरीके से जो व्यक्तियों के विचार होते हैं, व्यक्तियों के विचार में बहुत सारी बहुलताएं पाई जाती हैं, यानी कि आप एक चीज के बारे में कई एंगल से जोड़ सकते हैं, इसी को शादवाद कहा गया है। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने ये बोला भाई कि जो सत्य होता है दोस्तों, सत्य जो होता है, सत्य के कई पहलू होते हैं और सत्य के कई पहलू होते हैं, और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो सभी पहलुओं को नहीं समझ पाता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, अंधा व्यक्ति, कुछ अंधे व्यक्ति थे और हाथी का, तो उन अंधे व्यक्तियों में से एक ने जो है हाथी के पैर को पकड़ा, तो उसको लगा कोई बहुत बड़ा पिलर है, खंबा है, तो उसने बोला क्या है ये हाथी, कोई खंबा है। एक ने सूंड को पकड़ लिया, तो एक ने बोला ये सूंड, मतलब उसने हाथी के सूंड को क्या बोला, ये रस्सी है कोई। तो इसी तरीके से इन्होंने तुलना किया और इन्होंने ये बोला कि तरीके से कि हर सत्य के कई सारे पहलू हैं और सभी पहलुओं को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने कैवल्य की प्राप्ति कर लिया है, यानी कि जिसने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति जो है सत्य के सभी पहलू को समझ सकता है। ठीक है, तो कैवल्य प्राप्त व्यक्ति ही जो है सत्य के सभी पहलू को देख सकता है, वो जान पाएगा नहीं भाई ये हाथी है और ये हाथी का पैर है, ये हाथी के सूंड है, ये हाथी के क्या है पूंछ। तो ये केवल वही व्यक्ति बता सकता है जिसने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, यही शादवाद है। सात जो है इसके भाग थे जिसमें से कहा गया था एक तरीके से शायदवाद शायद है शायद नहीं है, तो इस तरीके की बात इसमें कही गई, यहाँ पे उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। देखिए अभी मैंने आपको बताया भाई अनेकांतवाद, अनेकांतवाद तो है ही, क्योंकि इसी को हम शादवाद भी नाम से जानते हैं, इसी को हम सापेक्ष नाम के नाम से जानते हैं, तो एक तो है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो पहला आंसर तो आपका सही है भाई, इसलिए हमने सेकेंड निकाल दिया, हमने फोर्थ को भी निकाल दिया, तो हमारे सामने दो ऑप्शन बचते हैं। देखिए अनेकांतवाद ही क्या है दोस्तों, शादवाद है, यानी कि हर शब्द के जो अंत है वो कई है, तो चौथा भी सही हो गया हमारा, तो क्या हमारे तीसरे में चौथा है, नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला और चौथा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं अनेकांतवाद के बारे में। ठीक है, आप यहां पे अगर आपसे भाई यहाँ पे पूछ दिया जाए शून्यवाद क्या है, तो शून्यवाद दोस्तों ध्यान रखिएगा ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। ठीक है, शून्यवाद की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, नागार्जुन। ठीक है, ध्यान रखिएगा नागार्जुन को ही कनिष्क ने चीन भेजा था, हम लोगों ने बात किया था, ये सुसी से संबंधित है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये क्या है, एक सार्वभौमिक विधान है। ठीक है, एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक आस्था से या फिर सार्वभौमिक आत्मा से। इसका करेक्ट आंसर देखिए, ये आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो है ये एक सार्वभौमिक विधान है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का ए हो जाएगा। तो जैन धर्म में ये बताया गया कि ये ईश्वर को देखिए नहीं मानते थे। ठीक है, ये ईश्वर को जैन धर्म नहीं मानता था। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे ये, और ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि ये जो दुनिया चल रही है वो एक सार्वभौमिक विधान से चल रही है। ठीक है, संसार को इन्होंने बताया कि ये जो है अनादि काल से अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है, इसके न पहले इसका न कोई उत्पत्ति की जानकारी है, न कोई इसके अंत की, यानी कि अनादि काल से ये चला आ रहा है और अनादि काल तक ये चलता रहेगा। ठीक है, अनंत काल तक ये चलता रहेगा, इसलिए इन्होंने संसार को क्या बोला भाई, ये शाश्वत है। ठीक है, ये शाश्वत है और ये नित्य है। ठीक है, यानी कि ये चलता रहेगा। ठीक है, बस इसमें एक तरीके से ये जो सार्वभौमिक विधान है ये हर जगह है। ठीक है, ये हर जगह है, इसमें सिर्फ क्या आएगा दोस्तों, उतार और चढ़ाव आएगा। ठीक है, उतार आएगा चढ़ाव आएगा, लेकिन इसका कभी विनाश नहीं होगा। ठीक है, विनाश नहीं होगा, इसका उत्थान होगा पतन होगा, उत्थान होगा पतन होगा, और ये एक सार्वभौमिक विधान से ये चलता रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। अभी मैंने आपसे बताया कि जैन धर्म सार्वभौमिक, ठीक है, एक तरीके से सिद्धांत पे चलता है, सार्वभौमिक, ठीक है, विधान से ये हुआ, इसको जो है जग की उत्पत्ति मानता है और उत्थान पतन लगा रहता है, लेकिन विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा का ये विरोध करता है, विश्वास नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म। अगला है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या है दोस्तों, कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा या फिर विराग है। कर्म के भी बात करते, निष्ठा की भी बात करते, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए दोस्तों, जैन धर्म का जो आधार बिंदु है वो अहिंसा है। सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य,
ये पांच अणुवत सिद्धांत जैन धर्म के द्वारा दिया गया जिसमें अहिंसा, देखिए आपको कहीं से भी इनमें पांच अणुवत में आपको कर्म के बारे में नहीं बात किया गया, निष्ठा की बात नहीं की, विराग की बात नहीं किया। तो देखिए कुछ चीजें तो आप ऐसे भी लॉजिकल जो है लगा सकते हैं, अहिंसा पे विशेष बल देते हैं, ठीक है, ये जैन धर्म के आधारभूत बिंदु है। अगला है यापनीय किसका एक संप्रदाय है, यापनीय की बात दोस्तों बात किया जाए तो ये किसका एक संप्रदाय है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जैन धर्म का संप्रदाय है, ठीक है, यापनीय जो है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा जैन धर्म का संप्रदाय है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी। देखिए यापनीय संप्रदाय की दोस्तों बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है, श्वेतांबर दिगंबर, तो जो दिगंबर संप्रदाय से ये संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, अगर आपसे ये पूछ जाए कि जैन धर्म में भी किस संप्रदाय से संबंधित है तो दिगंबर संप्रदाय से ये संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे, डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों को लगा देना चाहिए, जैन मत से है, ठीक है, स्थानक, ठीक है, किससे दोस्तों, स्थानक वासी संप्रदाय का जो संबंध है वो जैन, ठीक है, किससे है दोस्तों, जैन मत से संबंधित है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है, स्थानक वासी संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो ये श्वेतांबर, स्थानक वासी की बात करें तो श्वेतांबर से संबंधित है और इसकी स्थापना हुई थी 1653 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है इस संप्रदाय ने देखा जाए जो इसके पूर्ववर्ती संप्रदाय था दोस्तों, जिसको हम सुधारवादी संप्रदाय लोका, ठीक है, सुधारवादी संप्रदाय था तो लोका, ठीक है, जिसकी स्थापना जो की थी लकुलेश, ठीक है, लकुलेश के द्वारा जो किया गया था, लकुलेश, ठीक है, लकुलेश के द्वारा लोका संप्रदाय की स्थापना की गई थी, उसी से ये उत्पन्न हुआ था, ठीक है, लकुलेश संप्रदाय के द्वारा जो लोका संप्रदाय था उसी से ये स्थानकवासी संप्रदाय उत्पन्न हुआ था और ये देखा जाए श्वेतांबर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, जैन ग्रंथ के बारे में भी थोड़ा जानकारी आप लोग ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है, कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखिएगा जो है ये है आपका 14 पूर्व, ठीक है, 14 पूर्व। देखिए ध्यान रखिएगा जब जैन धर्म का दोस्तों संगीति हो रही थी, दो संगीतियां हुई थी, दो सम्मेलन हुए थे जैन धर्म के, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो जो पहली जो बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, 4वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और ये जो है इसी समय देखा जाए दोस्तों 12 अंगों की रचना की गई थी, ठीक है, 12 अंग की रचना की गई थी, तो ये जो 12 अंग है दोस्तों 12 अंगों की रचना इस समय किया गया था। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो दूसरी संगीति हुई थी दोस्तों वो वल्लभी में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा वल्लभी में हुई थी, गुजरात के वल्लभी में हुई थी, 513 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी जो अध्यक्षता किया गया था देवर्दी श्रम श्रवण के द्वारा किया गया था और इसी समय जो है आगम की रचना हुई। आगम जो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, जैन धर्म का ये, ठीक है, आगम की रचना हुई और इसी के तहत देखा जाए दोस्तों तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, 12, ठीक है, अंग, ठीक है, 12 अंग हुआ, ठीक है, फिर 12 उपांग हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा 10 प्रकृत, ठीक है, 10 प्रकृत ये भी सब पूछा जाता है, ठीक है, 10 प्रकृत। उसके बाद बात करें तो 6 छेद सूत्र, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों बात करें दोस्तों तो 4 जो है मूल्य सूत्र, टोटल जो है कितने 44 जो है एक तरीके से ग्रंथों की रचना किया गया था, ठीक है। और ये सभी जो ग्रंथ है ये आगम साहित्य से संबंधित है, ठीक है, आगम साहित्य इसी के तहत है, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 अंग 12 उपांग जो यहाँ पे दिया है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया, ठीक है। तो 14 पूर्व जो है दोस्तों ये क्या है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य थी वो अर्धमागधी भाषा में लिखी गई थी, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्धमागधी में लिखी गई थी। और आगे चल करके दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये फिर जो है जैन ग्रंथ जो बाकी लिखे गए जैसे आगम वगैरह क्या लिखा गया था,
ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था आगम, ठीक है। और यहाँ पे पाली भाषा किसमें इस्तेमाल किया जाता था, तो दोस्तों किसके बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखा गया था, और वैदिक जो ग्रंथ है यानी कि जो वेद है दोस्तों वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो जो है अर्धमागधी में लिखे गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्धि का क्या है क्षेत्र माना जाता है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा पार्श्वनाथ जी के बारे में बात कर लेते हैं, पहले भी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, पार्श्वनाथ जी का। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समेद शिखर, मैंने पहले ही आपको बताया। तो पार्श्वनाथ जी की दोस्तों बात किया जाए तो ये 30 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, इन्होंने अपना गृह का त्याग किया था, और झारखंड का जो है, झारखंड और बिहार में फैला हुआ है ये समेद शिखर, और वहां पे जो है इन्होंने क्या किया था, यहीं पे इन्होंने यज्ञ तपस्या किया, और फिर यहीं पे इनको क्या हुआ था, 83 दिन में जो है इनको क्या हुआ था, कठोर तपस्या करने के बाद जो है इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहला, इनको क्या कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको कहा गया इसके बाद, इनको ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, पुरुषु, ठीक है, पुरुषु, यहाँ पे पुरुषु शादनीय के नाम से इनको जाना गया, ठीक है। और फिर इन्होंने, यही मैंने बताया कि आगे चल करके इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, ठीक है, 4 शिक्षाएं जिसको हम क्या कहते हैं, चतुर्स्याम कहते हैं इन 4 शिक्षाओं को, जो कि सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। 5वीं शिक्षा जोड़ी गई किसके द्वारा दोस्तों, ये जोड़ा गया महावीर स्वामी जी के द्वारा, और इसको क्या कहा गया, अणुव्रत कहा गया, ठीक है। तो समेद शिखर इससे संबंधित, देखिए पावा में क्या हुआ था दोस्तों, महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य दोस्तों कौन सा नहीं है, ये थेरी गाथा जो है ये आरंभिक जैन साहित्य नहीं है, ठीक है, इसके बारे में इतना ही रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों संप्रदाय जो है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि मैंने अभी आपसे बताया कि सबसे जो इनका जो है विभाजन कब हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब जो है पहली बौद्ध संगीति, माफ करिएगा, जैन संगीति हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति जब महावीर स्वामी जी को निर्माण की प्राप्ति हो गया, तो उनके ज्ञान को, ठीक है, एक तरीके से उनके ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को व्यवस्थित करने के लिए संगीतियों का आयोजन किया गया। और प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वह कहाँ पर हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी, 4th सेंचुरी BC में हुई थी। और यहीं पे देखा जाए, और इसका जो नेतृत्व किया था प्रथम बौद्ध संगीति का, वो स्थूल भद्र ने किया था, ठीक है। और इसी समय जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है, कौन से 2 भागों में दोस्तों, ठीक है, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, दिगंबर, श्वेतांबर जिसने दोस्तों दिशा, जिसने श्वेत वस्त्र को अपना क्या माना, दिशा माना, ठीक है, जिसने श्वेत वस्त्र को अपना, ठीक है, श्वेत जो है रंग अपना वस्त्र माना, वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर जिसने दिशाओं को अपना वस्त्र मान लिया, ये वस्त्र, ठीक है, ये वस्त्र को नहीं धारण करते थे, इनको दिगंबर कहा गया। तो श्वेतांबर के स्थूल भद्र थे दोस्तों संस्थापक, और दिगंबर के थे भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु जिनके सन, ठीक है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, जैन धर्म की शिक्षा दी थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्थूल भद्र जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, वहीं भद्रबाहु की बात करें तो ये दिगंबर जो है, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, तो महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे दोस्तों, जमाली थे, जमाली, अभी हमने बात किया जमाली की दोस्तों बात किया जाए तो जमाली जो थे वो इनके प्रथम शिष्य थे, ठीक है, प्रथम शिष्य थे, और जमाली जो है इनकी पुत्री अड़ोज्या, ठीक है, अड़ोज्या के, ठीक है, अड़ोज्या के पति थे, इसलिए इनके दामाद भी थे ये, और इनके प्रथम शिष्य थे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, वही इनके क्या थे, पहले ही जो इनका जो मतभेद हुआ था वो जमाली से ही हुआ। तो जमाली से इनका क्यों मतभेद हुआ था ये ध्यान रखिएगा। देखिए महावीर स्वामी जी ने, ठीक है, एक सिद्धांत दिया था बहुत्तरवाद, ठीक है, बहुत्तरवाद क्या दिया था भाई, ये बहुत्तरवाद पे, देखिए जो स्वामी जी थे, महावीर स्वामी जी की बात करो दोस्तों, तो ये बहुत्तरवाद, ठीक है, बहुर देना, बहुत्तर, ठीक है, वाद, बहुत्तरवाद। महावीर स्वामी जी का मानना ये था कि आप किसी काम को सोच लीजिए तो वो काम पूरा हो जाता है, ठीक है, लेकिन जमाली बोलते हैं किसी काम को
सोच लेने से काम पूरा नहीं हो जाता, उस काम को पूरा करने से वो काम पूरा माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है, जमाली ने इसके जो है विरोध में, जमाली ने एक तरीके से, ठीक है, जमाली ने एक और सिद्धांत दिया जिसका, जिसको हम कहते हैं दोस्तों क्रियमाण कृत सिद्धांत। क्रियमाण कृत सिद्धांत, क्रियमाण यानी कि क्रिया, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक नहीं माना जाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, आपसे कोई कहता है कि जाओ थोड़ा सा एक काम करो, एक ग्लास पानी लेकर के आओ। आप जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आप ग्लास लेते आते हैं, ग्लास लेकर के जाते हैं, लेकिन आप ग्लास में पानी नहीं लेकर के आते हैं, और आप ग्लास सामने रख देते, बोलते लीजिए भैया मैं ग्लास लेके आया हूँ लेकिन पानी नहीं लेके आया हूँ। तो ये काम तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपको क्या कहा गया था, जाओ ग्लास, एक ग्लास पानी लेकर के आओ। तो महावीर स्वामी जी कहते हैं कि भाई आप गए, भले ही आप पानी लेकर के नहीं आए लेकिन आप ग्लास ला करके रख दिया, आप गए तो भी ये कार्य पूरा हो गया। तो जमाली कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, जब तक आप ग्लास को लेकर के गए, ग्लास जो कार्य कहा गया था वो कार्य पूरा नहीं करते हैं, तब तक मैं नहीं मानू, तब तक नहीं माना जाएगा कि ये कार्य जो है पूर्ण हुआ है। तो इसीलिए इन्होंने बोला बहुत्तरवाद महावीर स्वामी जी ने, तो इसी के विरोध में, ठीक है, एक नया सिद्धांत दिया गया, क्रियमाणकृत सिद्धांत जमाली जी के द्वारा, जिसको माना गया कि भैया जब तक कार्य को, ठीक है, पूरा नहीं किया जाता है तब तक कार्य खत्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, अंतिम जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया, का संपादन हुआ, कहां हुआ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पाटलिपुत्र में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और अंतिम रूप से जो श्वेतांबर आगम का जो है वो किया गया था, संपादन किया गया था, वो पाटलिपुत्र में किया गया था। और इसी पाटलिपुत्र के प्रथम बौद्ध संगीति में देखा जाए दोस्तों, तो जैन धर्म जो है ये दो संप्रदाय में बट गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो संप्रदाय क्या थे, दिगंबर श्वेतांबर। ठीक है, आगे चलते हैं, जैन साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग हैं, क्या ये सही है। अगला कथन क्या दिया है दूसरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो 33 का अगर हम लोग दोस्तों आंसर देखें तो 33 का ए सही है, लेकिन क्या है, डी जो है वो गलत है। यानी कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में देखा जाए दोस्तों तो 12 अंग है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और इन 12 अंगों का जो संकलन किया गया था ये प्रथम बौद्ध संगीति में किया, माफ करिए, प्रथम जो है जैन संगीति में किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो आपसे अगला जो पूछा जा रहा है भाई, कि ये जो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार देखा जाए इन अंगों का जो संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में हुआ था, तो ये इनकरेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इन, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इनकरेक्ट है। अगला है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी, ठीक है, डी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था ये, आप वल्लभी में नहीं देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, तो वल्लभी में तो दूसरी हुई थी 12 अंग का, यहाँ पे पाटलिपुत्र होना चाहिए। ठीक है, पाटलिपुत्र आप लिख सकते हैं, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेतक की पुत्री थी। देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, पहला तो गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये निकाल दीजिए, यहाँ पे ये निकाल दीजिए। गौतम बुद्ध की माता कौलिया राजवंश की राजकुमारी थी, क्या ये बात सही है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कौलिया राजकुमारी, ठीक है, कौलिया जो थी राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। ठीक है, माता थी, और यहाँ पे जो है महामाया नाम था उनका। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, महामाया, महात्मा बुद्ध की। और यहाँ पे 23वें तीर्थंकर जो थे वो पाशर्वनाथ थे, और वो कहाँ से थे दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है पाशर्वनाथ, तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो थे आपके वाराणसी से, बनारस से। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23, यानी कि सी 2 और 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 250 वर्ष पूर्व हुआ था, किसके पूर्व, महावीर स्वामी जी के पूर्व जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनके बारे में विशेष चीजें थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, गलत बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है तो ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है
ठीक है, कुछ जो है जैन धर्म को मानने वाले इनके साथ चले गए दक्षिण में, ठीक है, और वहां पे जो है इन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किया था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार हुआ वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। गलत बात है दोस्तों, वो दिगंबर कहलाए, ठीक है। और श्वेतांबर जो थे, ठीक है, वो क्या थे, स्थूल भद्र के नेतृत्व में थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पूछ कह रहा है एक सही है। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। सही है या गलत, ये आगे देखते हैं। चौथा देख लेते हैं, बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ये एकदम इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, देखिए कलिंग राजा खारवेल था, इसी का एक हमें अभिलेख देखने को मिलता है दोस्तों, हाथी गुंफा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुंफा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुंफा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा जो है नरेश का देखने को मिलता है हाथी गुंफा अभिलेख से। और इसी ने जो देखा जाए दोस्तों, कलिंग जो नरेश है इसी ने जो है जैन धर्म को क्या किया था, समर्थन दिया था। तो करेक्ट आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग जो है तपस्या है, यानी कि तपस्या करना है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ऐसा इनका मानना था, बिल्कुल ही मानना था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पहला भी सही है, कर्म को जो है विनिष्ट करना, जो हमारे जीवन में जो कर्म बना हुआ है, जो जो हमारे शरीर में कर्म का प्रभाव हो रहा है दोस्तों, इसी कर्म के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसको रोकने के लिए तपस्या होना जरूरी है। प्रत्येक वस्तु चाहे वो सूक्ष्म कण हो दोस्तों, उसमें भी आत्मा होती है। आत्मा को मानते थे महात्मा बुद्ध जी, आत्मा को नहीं मानते थे, वो क्षणिक विचार मानते थे। कर्म जो है आत्मा का विनाशक है, बिल्कुल है, और अवश्य इसका अंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा 36 का, क्योंकि ध्यान रखिएगा इन्होंने बोला जो हमारे जीवन में कर्म है दोस्तों, उसी कर्म के प्रभाव के कारण हम इस जीवन रूपी शरीर रूपी जीवन में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जहां पे दुखी दुख है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको अपने जीवन में जो कर्म का प्रभाव है उसको रोकना होगा, और इस कर्म के प्रभाव को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, त्रिरत्नों का पालन करना होगा। और ये त्रिरत्न जैन धर्म में क्या थे, ये थे आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण थे। जब आप इन त्रिरत्नों का पालन लगातार करेंगे तो ये जो कर्म है दोस्तों, ये जो कर्म है, ठीक है, इसका जो प्रभाव हमारे शरीर की तरफ हो रहा है ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसको इन्होंने एक शब्द से संबोधित किया, कर्म के प्रभाव को रुकने को, ये कहा दोस्तों सोवर कहा, ठीक है, क्या कहा इसको, सोवर कहा। अब आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कर्म का प्रभाव रुक गया, लेकिन कर्म का प्रभाव तो हुआ था, और प्रवाह जो हुआ वो कहीं ना कहीं कर्म हमारे शरीर में है, और जब तक कर्म हमारे शरीर में निहित रहेगा हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम प्रवाह को रोकेंगे, सोवर करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जो हमारे शरीर में क्या है, जो पहले से कर्म बने हुए उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो फिर लगातार जो है हम क्या करेंगे, मोक्ष के लिए क्या करेंगे, हम और तपस्या करेंगे, और फिर एक समय आएगा निर्जरा जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमारे शरीर में जो कर्मों का जो है एक तरीके से हमारे शरीर में जो कर्म एकत्रित थे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है। अगला है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड को, ठीक है, सुसाइड कहा और इसको बैन कर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, जिसको हम संलेखना प्रथा के भी नाम से जानते हैं, संलेखना प्रथा के भी नाम से इसको हम जानते हैं। और ध्यान रखिएगा आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो है संलेखना प्रति के जो संलेखना माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थे, एक और राजा थे वो भी बताऊंगी। देखिए संलेखना को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को काया क्लेश कहा जाता है, काया क्लेश। देखिए जो भगवान बुद्ध जी ने, हमने बोला कि जब जन्म से पहले, मतलब एक तरीके से मृत्यु के पहले भी आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन जैन धर्म में कहा कि जब तक आप अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो शरीर रूपी जो है, हमारे शरीर जो है उसी के अंदर आत्मा है, और आत्मा को जब तक मुक्त नहीं करेंगे, यानी कि शरीर का जब तक त्याग नहीं करेंगे, ये आत्मा मुक्त नहीं होगी, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होगी। तो शरीर का त्याग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काया क्लेश करना पड़ेगा, संलेखना विधि को अपनाना पड़ेगा। संलेखना विधि जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला कार्य है भैया, भिक्षु बनना अनिवार्य है, ठीक है।
यहाँ पे भिक्षु बनना अनिवार्य है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप दोस्तों, ये पहले भिक्षु बनेंगे, फिर उसके बाद भगवान जो है जैन धर्म की शिक्षाओं को अपनाएंगे, फिर अंत में क्या करेंगे, अन्न जल सब कुछ त्याग देंगे, सब कुछ त्याग देंगे। एक तरीके से सेल्फ टॉर्चर करना, यानी कि नाखून को काटेंगे नहीं, नाखून को उखाड़ेंगे, बालों को काटेंगे नहीं, बालों को खींचेंगे, एक तरीके से खुद को टॉर्चर करके अन्न जल सब कुछ त्याग करके अपने शरीर को क्या करना दोस्तों, एक तरीके से क्या करना, शरीर का त्याग करना, यही संलेखना विधि है। और ध्यान रखिएगा जब मगध का शासक, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं दोस्तों, इसके शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और इस 12 वर्ष के अकाल के कारण ये काफी ज्यादा व्यथित हो जाता है, क्योंकि ये बहुत प्रयास करता है, ये अकाल से निजात नहीं पाता है। और आगे चल करके ये भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के संरक्षण में जैन धर्म को अपना करके दक्षिण में चला जाता है, चंद्रगिरी पर्वत पे। कहा जाता है कि चंद्रगिरी पर्वत इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, स्वर्ण बेला गोल में, स्वर्ण बेला गोल में चला जाता है। और यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर दिया था, अन्न जल सब कुछ त्याग करके अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो एक राजा हमें देखने को चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। दूसरे राजा भी आपसे पूछ सकता है भाई, इंद्रजीत, इंद्र तृतीय थे, और इंद्र तृतीय कहाँ के राजा थे दोस्तों, तो ये राष्ट्रकूट राजा थे, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा थे, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने शरीर का त्याग किया था संलेखना विधि से। ध्यान रखिएगा संलेखना जो समाधि मरण है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बैन लगा दिया, क्योंकि कहा कि ये जो है ये अपने आप में क्या है, एक सुसाइड करना है, और सुसाइड करना कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, मानवीय नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकू शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, जो इक्ष्वाकू थे क्या वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दूसरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर आप ध्यान रखिएगा पूर्वी जो है पाल वंश का शासक है धर्मपाल, जिसने वैश्विक यहाँ पे किस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है बिहार में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। और अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, ठीक है, 38 की, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, बौद्ध मत के विरोधक नहीं थे, ठीक है, वो ऐसा नहीं थे, विरोध नहीं करते थे, क्योंकि इक्ष्वाकू जो वंश की जो रानियां थी वो बौद्ध धर्म का समर्थन करती थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि बौद्ध धर्म, माफ करिएगा, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है दोस्तों महावीर स्वामी, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उनकी मुलाकात दोस्तों किससे होती है, मक्कली पुत्र गौसाल से होती है, जिनके साथ उन्होंने 6 वर्ष की किया। और मक्कली पुत्र गौसाल ने दोस्तों आजीवक संप्रदाय के स्थापना किया। और आजीवक संप्रदाय का अगर हम दर्शन देखें तो ये नियति बात पे, ठीक है, नियति बात पर आधारित है, यानी कि नियति में जो लिख गया है वही होगा, ठीक है। तो नियत पे विश्वास करने वाला, एक तरीके से अपने, ठीक है, भाग्य पे भरोसा करने वाला ये संप्रदाय है, नियतिवाद संप्रदाय। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, यानी कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला है, कितनी भी मेहनत कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला, जो आपकी नियति में लिख दिया गया है, जो आपके भाग्य में लिख दिया गया वही होगा, इस बात का समर्थन करने वाले जो है वो है आजीवक संप्रदाय है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ठीक है, मोखली पुत्र, ठीक है, मोखली पुत्र गौसाल है। और आजीवक संप्रदाय को मानने वाला दोस्तों कौन था, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मौर्य वंश में जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, तो जैन धर्म को मानते थे, उनके पुत्र दोस्तों जो थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। और फिर इन्हीं के पुत्र आते हैं, यानी कि अशोक ने कहा जाता है माफ करेगा कि जो अशोक ने देखा जाए तो बराबर की पहाड़ियों में, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को, ठीक है, सुदामा कर चौपाड़ जो है गुफा दान दी थी आजीवक संप्रदाय को। फिर इनके जो पुत्र भी आते हैं, ठीक है, वो कौन रहते हैं, सुदामा ने भी, ठीक है, जो है एक तरीके से सुदामा और कर चौपाड़ थे, इनके पुत्र भी आते हैं, दशरथ ने भी जो है आजीवक संप्रदाय को क्या किया था दोस्तों, नागार्जुन की पहाड़ियों में जो है एक तरीके से क्या किया था, गुफाएं दान की थी। अगला है निम्नलिखित, यहाँ पे देखिए सूची, कुछ सूची दो से हमें सुमिलित करना है। देखिए नागार्जुन से सबसे पहले तो हम लोगों ने बात किया था, शून्यवाद के संस्थापक है नागार्जुन, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। भद्रबाहु की बात किया जाए दोस्तों, भद्रबाहु अभी हम लोगों ने देखा ये क्या थे, जैन धर्म से थे। मैत्री यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए गौशाल, ठीक है, मैत्रीपुत्र गौशाल यहाँ पे जो है आजीवक संप्रदाय के, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है। और यहाँ पे लकुलिश बचे जो कि किससे संबंधित है, पशुपत से हो गए, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3-2, ठीक है, 4-1, 3-2-1, 3-2-4-1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो आजीवक संप्रदाय ने किया, ठीक है। बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किया गया था वो आजीवक संप्रदाय ने किया था, इसके बारे में पहले ही हमने जानकारी दे दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये कौन सा है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों किसका है दोस्तों, ये कौशाम्बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी कहाँ पे है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा प्रयागराज के पास जो है, लगभग प्रयागराज के दक्षिण में एक तरीके से है ये, 33 मील दूरी पर, तो प्रयागराज में है ये, ठीक है, कौशाम्बी, और वहां पे जो है बौद्ध और जैन दोनों के ही प्रसिद्ध स्थल हमें देखने को मिलते हैं। अगला है, सुरवेला गोल में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है किसने स्थापित कराई थी, तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये है चामुंड राय सुरवेला गोल में, ठीक है, गुमतेश्वर। अब चामुंड राय दोस्तों कौन है ये आपसे पूछ लिया जाए, तो गंग शासक है, ठीक है, गंग शासक है, गंग शासक, गंग शासक जिसका नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है रचमल, ठीक है, रचमल जिसको हम क्या कहते हैं, पचमल, ठीक है, रचमल चतुर्थ का ये एक तरीके से क्या है, मंत्री है, और इसी ने लगभग देखा जाए दोस्तों तो 981 ईस्वी में, ठीक है, 981 ईस्वी में गोमतेश्वर जिसे हम बाहुबली, बाहुबली कौन थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाहुबली जो थे प्रथम जो है जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के, ठीक है, ऋषभ देव के पुत्र है, ठीक है, पुत्र पुत्र है बाहुबली, ठीक है, बाहुबली की ये प्रतिमा है गोमतेश्वर में, ठीक है, काफी विशाल प्रतिमा है जो कि 57 फीट ऊंची मानी जाती है, इसका निर्माण चामुंड राय के द्वारा किया गया, मंत्री कौन है दोस्तों आपको अभी बताया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे भाई ये और कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक का, ठीक है, हासन जिला है, कर्नाटक के हासन जिले में है ये, ठीक है, कर्नाटक के कौन से जिले में है, हासन जिले में है कर्नाटक के, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है हर 12 वर्ष पे, ठीक है, ये भी पूछा गया है, 12 वर्ष पे एक पर्व मनाया जाता है जिसे हम कहा कहते हैं महाभिनिष्क्रम, ठीक है, महामस्ताभिषेक, ठीक है, महामस्ताभिषेक के नाम से जाना जाता है, और ये हर 12 वर्ष की आयु पे, 12 वर्ष के बाद जो है आयोजन किया जाता है, एक तरीके से ये पूजा की विधि है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा बाहुबली, बाहुबली दोस्तों कौन थे, ये ऋषभ देव के, ठीक है, जो पुत्र थे बाहुबली, और बाहुबली की जो प्रतिमा थी दोस्तों वो ध्यान रखिएगा कहाँ पे थी, सुरवेला गोल में, ठीक है, सुरवेला गोल में चामुंड राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी, ठीक है। अगला, तो ये था दोस्तों आज का हमारा, ये एक तरीके से जो अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों आपके पीसीएस में या फिर अदर एग्जाम में, जितने भी प्रश्न पूछे गए जैन धर्म से संबंधित, उनका हम लोगों ने एक तरीके से व्याख्या कर लिया, उम्मीद है चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत इन डिटेल जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रश्न आंसर के दौरान बहुत लिमिटेड चीजें होती है जो बताई जा सकती हैं, आप लोग कोशिश करिए क्लास को जो है प्रॉपर कर लीजिए, क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो उससे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, अगले सेशन में बात करेंगे कुछ और संप्रदायों के बारे में, ठीक है, जिनका उल्लेख हमें 6वीं शताब्दी से पूर्व में देखने को मिलता है, उनके बारे में बात करके, ठीक है, इसी तरह सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।